हम क्या रहे कब्रिस्तान, क्योंकि बारिशें काफी हुई थी तो कब्रों में पानी चला गया। तो हमें ना गांव से फोन आया कि आकर कब्रें देख ले, तो काफी नुकसान हुआ। तो शान साहब मेरे साथ जा रहे हैं और बिलाल भी जा रहा है, तो मैंने कहा चले आज देखते हैं, काफी नुकसान हो गया तो हम जा रहे हैं, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना। तो जी हम जा रहे हैं वहाँ, तो आप लोगों ने मेरे साथ रहना, जाकर सारी तफसील आपको दिखाएंगे कि कब्रों का क्या हालात है, क्या नुकसान हुआ है। जी तो हम पिंड में आ गए हैं, पिंड और गांव एक ही होता है, और गांव का आपको माहौल दिखाते हैं किस कदर बारिश की वजह से सारी जो है ना कच्चे घर हैं ज़्यादा, तो लोगों के तो ख़राब हो गए हैं, और बारिश ने तो फड़के ना सारा कुछ तबाह कर दिया। तो अभी हम कब्रिस्तान जा रहे हैं, वहां का आपको दिखाएंगे, विज़िट करवाएंगे कि क्या परेशानी है और किस कदर जो कब्रें हैं ना। जी तो हम जा रहे हैं कब्रिस्तान, तो रास्ता भी बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप देख सकते हो कच्ची सड़क है और साथ ही हरी भरी जगह है, इधर ये भी कच्ची जगह है जी, तो साथ ही इधर फसलें हैं और मौसम भी जो है ना काफ़ी ख़राब है। इधर हमने जाना है इस सड़क में, काफ़ी लंबा सफ़र है और हमने ये देखे मौसम भी काफ़ी ख़राब हो रहा है, और साथ ही परेशान। जी तो फाइनली हम कब्रिस्तान पहुंचे आए हैं, तो बहुत ही बुरा हालात है तमाम कब्रों का, क्योंकि बारिश हुई है तो बहुत ख़राब निज़ाम है, काफ़ी जो कब्रें हैं ना नीचे ये देखें कब्र का हालात देख ले बहुत ख़राब हुई है। मेरे नाम की जो कब्र है तो बहुत हम लोग परेशान थे, अभी हमने बहुत ज़्यादा मट्टी डाली है, तो अभी हम इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे तो फिर हम आपको दिखाएंगे। मट्टी के नीचे आगे से पानी बहुत ज़्यादा आ गया था, तो मैंने मट्टी इसमें बहुत ज़्यादा डाली है, तो अब आहिस्ता आहिस्ता और डालूंगी क्योंकि अभी गीली है मट्टी। जब मैं पहले आई थी आपने अंदाज़ा लगाया था कब्र जो सारी है ना नीचे मट्टी की मेरे नीचे आ गई थी और काफ़ी गहरा खड्डा बना हुआ था, अब मैंने इतनी मट्टी डाली है यकीन माने अभी और मट्टी इसमें डलने वाली है, लेकिन मैं अभी थक गई हूँ, मैंने कहा बाद में ना फिर आऊँगी क्योंकि अभी भी मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, जल्दी जल्दी से मैंने कहा चले इतनी बहुत ज़्यादा। इमरान जो है इमरान साहब मट्टी कब्र के ऊपर डाल रहे हैं, मैं फटाफट से इस तरह इसकी जो ढेरी है ना वो बना रहे हैं, ताकि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है। चलो भाई पुप्पो नु मार बिलाल नु, पुप्पो आ जा। जितना हो सका हमने कब्र की सफाई भी की और मिट्टी डाली है, अब उम्मीद तो करती हूँ कि बारिश का जो पानी है ना कब्र पे नहीं जाएगा और ना ही कब्र इससे गिरेगी। कम से कम एक ट्राली जो है ना पूरी जो है ना मिट्टी के ऊपर डाली है, बहुत ही मिट्टी डाली है, उम्मीद करती हूँ कभी ऐसे ही रहेगी, लेकिन अभी मौसम। जी हम कब्रिस्तान से घर वापस आ गए हैं, रास्ते की भी वीडियो आपको दिखाई थी, तो मेरा तो आप सभी से यही पैगाम है कि आप भी लाजमी जाया करें जो आपके बड़े बहुत हो गए हैं अपनी कब्रों पे, क्योंकि बारिशों का मौसम है, हमने भी मरना है, हमने भी मिट्टी के नीचे दफन होना है, मेरा तो यही आप सबसे पैगाम है। तभी मैं अपने ननान के घर आई हूँ, तो थोड़ा सा आराम करते हैं क्योंकि काफ़ी थक गए हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, अगर पसंद आई तो प्लीज़ प्यारा सा वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो अगर शेयर कर दीजिएगा, जो हमारे न्यू इस वक्त चैनल पर प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो अब हम आपसे लेते हैं जल्द अगली वीडियो के साथ, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़।